सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो वो भी रियल वे में जिसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज मैं आप लोगों को इंतहाई आसान सा काम बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं सारे काम ही आसान बताता हूँ, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने बस चंद क्लिक्स करने हैं और कॉपी पेस्ट काम करना है, आप लोगों का ये काम हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप लोग वीडियो पूरी देखोगे, जो काम मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा उस काम को समझोगे, जो मेथड बताऊंगा उसको फॉलो करोगे, तभी। इस काम को हम लोग दो मेथड के जरिए करेंगे। पहला जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को मैं वीडियो में चार चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लोग बहुत जल्दी ऑर्डर ले सकते हो, तो आप लोगों ने वो पॉइंट मिस नहीं करने। तो अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल e-learning गुरु। स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं यार कि ये रियल और ऑथेंटिक काम है। अगर आप लोग वाकई ही ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेहनत तो यार आप लोगों को करनी पड़ेगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो, क्योंकि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसकी वो जुस्तजू करता है। लेकिन अगर आप लोग किसी जुगाड़ के चक्कर में ये ख्वाब देखते हो कि आप लोगों की कोई लॉटरी लगेगी और आप लोग रातों रात अमीर हो जाओगे, तो इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। ना ही ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं। आप लोगों को काम तो करना पड़ेगा यार। बहुत आसान सा काम है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने बस चंद क्लिक्स करने, कॉपी पेस्ट काम करना और आप लोगों का काम हो जाएगा। इसमें आप लोगों की किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली। आप लोग इजीली इस काम से डेली के 5,000 से 7,000 कमा सकते हो। काम क्या करना है आप लोगों ने, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग काम देखकर वीडियो छोड़ के ऐसे ही भाग गए और आगे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आप लोगों ने नहीं देखे, नहीं सुने, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, काम को ध्यान से समझना। अब चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक लर्निंग गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। हो सकता है आप लोगों को कोई ऐसा अर्निंग का मेथड समझ आ जाए जिसके बाद आप लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सको। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखें, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को काम बता देता हूँ कि आप लोगों ने काम क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों ने करना क्या है। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये भेजा है एक क्लाइंट ने। वो कहाँ से भेजेगा, कैसे भेजेगा, वो अभी आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा प्लेजरिज्म वाला कंटेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्लेजरिज्म रिमूव करनी है। अब आप लोग यहीं से अगर वीडियो छोड़ के चले गए तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाके आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं, आप लोग वो नहीं सुनोगे तो फिर आप लोग अपना ही नुकसान करोगे। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इनके थोड़े थोड़े ये पैराग्राफ जो हैं, एक एक पैराग्राफ आप लोगों ने उठाना है इस तरीके से, यहाँ से इसे कॉपी करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, इसकी वर्डिंग जो है वो चेंज करनी है, इसकी प्लेजरिज्म रिमूव करनी है। किस तरीके से करनी है, पहला मेथड आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ गूगल के ऊपर आना है, यहाँ से इंग्लिश टू उर्दू करना है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना पैराग्राफ, ये आप लोगों को उर्दू के अंदर सारा का सारा ट्रांसलेट करके बता देगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ से आप लोगों ने इसे करना है कॉपी। उसके बाद आप लोगों ने यहीं से इसे कर देना है अब उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू टू इंग्लिश करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसे दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना ये पेस्ट। जब आप लोग पेस्ट करेंगे, ये आप लोगों को दोबारा से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। अब ये जो हमारे पास इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, ये टोटली हमारा चेंज है जो हमने पहले लिखा था। सिंपली हम लोगों ने आना है, यहाँ पर इसे कर देना है पेस्ट इस तरीके से। यहाँ ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर जो पहले वाली वर्डिंग थी वो वर्डिंग हो चुकी है हमारी चेंज। एक मेथड तो हो गया ये, कितनी देर लगी हमें ये करने में। आप लोगों ने इसी तरीके से सारे के सारे पैराग्राफ जो हैं ये इस तरह से चेंज करने, जो आप लोगों को आर्टिकल दिया जाएगा, जो कंटेंट दिया जाएगा, जो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ से पैराग्राफ उठाने हैं। जिस तरह मैं यहाँ से एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं करूँगा इस पैराग्राफ को कॉपी। उसके बाद आप लोगों ने गूगल के ऊपर आने, यहाँ पे आके कीलबोर्ड सर्च करना है या स्पिन बोर्ड सर्च कर सकते हैं। इनका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताया था, ये वाला टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली कर देना है इसे पेस्ट और उसके बाद यहाँ से इसे पैराफ्रेज कर देना है। वन क्लिक के अंदर ये देखें, ये पैराफ्रेज करके दे देगा। ये पूरी की पूरी वर्डिंग चेंज कर रही है, आप लोगों के सामने ये वर्डिंग भी नज़र आ रही है जो जो ये चेंज करता जा रहा है। ये इसने पूरी वर्डिंग हमारी चेंज कर दी। आप लोगों ने सिंपली यहाँ से इसे कॉपी टेक्स्ट करना है और उसके बाद यहीं पर आना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ कन्वर्ट किया था, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ये पैराग्राफ कर देना है पेस्ट।
इस तरीके से आप लोगों ने पेस्ट कर दिया। इसकी भी जो सारी पैराफ्रेजिंग वो हो चुकी है, सारी वर्डिंग इसकी भी चेंज हो चुकी है। अब इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर नीचे जितने हैं ये सारे के सारे जब चेंज करोगे तो ये टोटली इसकी प्लेजरिज्म जो है वो खत्म हो जाएगी और ये जो हमारा कॉन्टेंट है ये 100% यूनिक हो जाएगा, इसकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी, इसके सारे वर्ड चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ से अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आप लोगों को तो आप लोग खुद से थोड़ी सी वर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लेना या चेंज कर लेना वर्डिंग, तो आप लोगों का काम ये हो जाएगा। उसके बाद अब ये आप लोग जब ये कर लोगे सारा, आप लोग फिर एक दफ़ा चेक कर लेना कि आया ये जो आप लोगों ने कर लिया है ये अब 100% हमारा प्लेजरिज्म फ्री है भी कि नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने इसी तरह यहाँ से जो आपका आर्टिकल होगा ये जो डॉक्यूमेंट फाइल आप लोगों को क्लाइंट सेंड करेगा आप लोगों ने ये कॉपी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डुप्ली चेकर के ऊपर आ जाना है, ये हमारी जो है वो प्लेजरिज्म चेक करके हमें बताते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर चेक लगाना है और यहाँ से चेक प्लेजरिज्म के ऊपर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। उसके बाद ये आप लोगों की प्लेजरिज्म जो है वो चेक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये चेक कर लेता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें जी आप लोगों के सामने रिजल्ट आ गया है, ये जो हमने अभी वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया था, इसका रिजल्ट उसने हमें शो करवा दिया है। ये आप लोगों के सामने ये 100% यूनिक शो करवा रहा है और 0% प्लेजरिज्म शो करवा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने हमने ये जो था हमारा काम ये पूरा का पूरा कर लिया, इतना सा काम आप लोगों ने करना था। वन क्लिक के अंदर आप लोगों ने बस कॉपी पेस्ट काम किया और आप लोगों का ये पूरा का पूरा काम हो गया है। काम आप लोगों को मैंने समझा दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि आप लोगों ने अर्निंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप लोगों को ऑर्डर आएंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहे थे। यहाँ मैं फाइवर के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे आके मैंने सर्च किया रीराइट कंटेंट, तो यहाँ पर देखें कंपटीशन आप लोग देखें इस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 2000 लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं और ऑर्डर यहाँ पे देख लें तो ऑर्डर यहाँ पे सबको आए हुए हैं। ये देखें 30,000 चार्ज कर रहे हैं और एक ऑर्डर आया हुआ है, ये 4500 चार्ज कर रहे और 1K+ ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है, ये 3000 चार्ज कर रहे और 564 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। मीन के यहाँ पे सबको ऑर्डर भी आए हुए हैं और यहाँ पे कंपटीशन देख ले कितना कम है, कंपटीशन ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को ये 2000। अभी आप लोगों को और कम करके दिखा देता हूँ कंपटीशन। यहाँ पर आप लोगों ने आना है, रीराइट कंटेंट लिखा था, आप लोगों ने इसकी सब कैटेगरी के अंदर चले जाना है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें सिर्फ आप लोगों के सामने 800 सर्विसेज बच गई हैं, ये भी ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, इसे भी कम करना है। यहाँ पर आप लोग रैंक नहीं कर सकते हैं, ईजिली रैंक कर सकते हो, आप लोगों ने यहाँ पर आके गिग बनानी है फाइवर की, ये भी ज़्यादा लग रहा है। चलो मैं आप लोगों को ये भी कम करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने एक और कीवर्ड सर्च कर लेना, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सर्च करना पैराफ्रेज। पैराफ्रेज जब सर्च करोगे तो यहाँ पे सर्विसेज देखें 825 सर्विसेज आ गई हैं, ज़्यादा हैं बहुत थोड़ी हैं भाई, ना होने के बराबर कंपटीशन है ये। यहाँ पर इन्हें भी देखें, इन्हें भी सबको ऑर्डर आए हुए 65 ऑर्डर, ये 1K+ ऑर्डर, ये 16 ऑर्डर, ये 921 ऑर्डर, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत काम है इस चीज़ का। मैं आप लोगों को ये 825 सर्विसेज है यहाँ पे इससे भी कम करके दिखा देता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को कीवर्ड बता रहा हूँ ये आप लोग नोट करते जाएं अपनी डायरी वगैरह पे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब मैंने फाइवर पे सर्च किया रिफ्रेश, रिफ्रेश सर्च किया तो यहाँ पे कंपटीशन देखें कितना हो गया है, 379 सर्विसेज बच गई हैं पीछे हमारे, और क्या चाहिए आप लोगों को, सिर्फ 379 सर्विसेज आ गई हैं। आप लोगों का ये घंटों का काम दिनों का काम मैंने आप लोगों को ऐसे करके दे दिया है, एक लाइक तो बनता है यार इस चीज़ पे। यहाँ पर अगर आप लोगों को अब 379 भी ज़्यादा लग रही हैं तो मैं आप लोगों को ये भी कम करके दिखा देता हूँ। आप लोग कहोगे कि क्या हमें जीरो कंपटीशन वाले बताने लगे हो, तो आप लोग कुछ ऐसे ही समझ लो और आप लोगों को वहाँ पे ऑर्डर्स भी आए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने आके सर्च करना है रीवर्ड, रीवर्ड आप लोगों ने सर्च किया तो आप लोग ये देखें आप लोगों के सामने 134 सर्विसेज आ गई हैं सिर्फ, और यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन सेलर की बात कर लो तो यहाँ पर देखें सिर्फ 4 सर्विसेज आ रही हैं अवेलेबल। आप लोगों को और क्या ही चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें सबको ऑर्डर्स भी आए हैं, ये देख लें ये जो बंदा है 921 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ये 300 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, 3 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, इस तरीके से यहाँ पे सबको ऑर्डर्स आए हुए हैं जितने भी हैं। यहाँ पे मैं इनकी प्राइसेज आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, कुछ गिग्स आप लोगों को अब मैं दिखा देता हूँ कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये जो काम मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यही काम था इनका या कोई और काम है। ये देखें ये यहाँ पर मैंने एक गिग ओपन किया है पाकिस्तानी, ये क्या काम कर रही है, आई विल मैनुअली एडिट री राइट पैराफ्रेज एंड प्रूफ रीड योर कंटेंट, सेम वही काम कर रही है। यहाँ पर इसका रेट आप लोग देख लें 1500 चार्ज कर रही है और 600 वर्ड सिर्फ करके देगी, और स्टैंडर्ड के अंदर बात कर लें तो 3000 ले रही है और प्रीमियम के अंदर देख लें तो 4500 ले रही है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और गिग दिखा देता हूँ, ये इंडियन है कोई, ये भी यही काम कर रही है और 4500 चार्ज कर रही है और 1500 वर्ड ये रिफ्रेज करके देगी, पैराफ्रेज करके देगी। स्टैंडर्ड की आप लोग बात कर लें तो ये 7500 ले रही है और 2500 वर्ड्स हैं, प्रीमियम की बात कर लें तो 10,000 ले रही है। इसी तरीके से एक और गिग है यहाँ पर, ये देखें 4500 ले रही है, ये भी स्टैंडर्ड के अंदर 9000 ले रही है, प्रीमियम के अंदर 15,000 ले रही है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और है, ये भी यहाँ पर यही कर रहा है, 800 वर्ड्स री राइट करके देगा, 1500 चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तानी है, स्टैंडर्ड की बात कर लें तो 3000 ले रहा है और 1500 वर्ड्स सिर्फ री राइट करके देगा, और प्रीमियम में ये देख लें तो 6000 ले रहा है
आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा काम समझा दिया है, ए टू जेड एक एक चीज मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। आप लोगों के सामने 5 मिनट भी नहीं लगे हमें ये काम करने में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स भी आप लोगों को बता दिए हैं, इससे ज्यादा आप लोग क्या लोगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी गिग्स वगैरह बनानी है। ये नहीं कहना आप लोगों ने कि आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं आए हुए। अगर ये लोग भी यहाँ पर यही कहते हैं कि इन्हें ऑर्डर नहीं आने, तो फिर यहाँ पर ये इतने इतने ऑर्डर कंप्लीट ना कर रहे होते, ना ही इतने इतने ये चार्ज करते हैं। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रोफेशनली अपना अकाउंट सेटअप करना है, गिग किस तरीके से बनानी है, वो मैंने आप लोगों को इस स्क्रीन पे कोर्स नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया कि किस तरीके से आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, गिग बनानी है, किस तरीके से गिग को ऑप्टिमाइज करना है जिससे आप लोगों को ऑर्डर आएंगे। आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लाजमी आप लोग वो जाके देख लो। बाकी आप लोगों ने मेहनत करनी है, दिल लगा के काम करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर जरूर आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का बनता है। मैंने आप लोगों को इतने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स बताए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।